हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में स्टडी करेंगे। हमने देखा कैसे फॉलिकुलोजेनेसिस में थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलिकल्स बनते हैं, और जो मैच्योर फॉलिकल जब होते हैं तो उसमें से जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो जो है फर्दर जो है उसके अंदर डेवलपमेंट होती है और वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बाकी उसके बाद क्या होता है कि जो हमने जैसे पढ़ा कि फर्दर जो है उसमें डेवलपमेंट होती है, वो ओवुलेशन होता है तो वो ओवा या एग जो है वो रिलीज हो जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। अब जब ओवा और ओव्यूल जो है एग जो है वो रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल्स बचती हैं जिनको नाम देते हैं हम कॉर्पस ल्यूटी। अब कॉर्पस ल्यूटियम ये येलो हार्मोन सिक्रीटिंग बॉडीज होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे प्रोजेस्टिरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है। तो जो एस्ट्रस साइकिल होती है उसमें उसकी रेगुलेशन को और प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस को इनको कंट्रोल करते हैं, तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एस्ट्रस साइकिल। कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिरोन प्रोजेस्टिरोन की अमाउंट थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन। अगर हम देखते हैं तो प्रोजेस्टिरोन हार्मोन जो है वो यूट्रस के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं आफ्टर ओवुलेशन के बाद, और फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उस फर्टिलाइज्ड ओवम की इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो की न्यूरिशमेंट जो है वो सब जो है प्रोजेस्टेरोन जो है वो कंट्रोल करता है। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस केस में ये कार्पस जो ल्यूटियम होता है ये इनएक्टिव हो जाता है विद इन 10 to 14 days। ये डेज जो है ये वेरी करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से प्रेग्नेंट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो फिर से कंटिन्यू हो जाती है। तो डिफरेंट फेजेस से होकर गुजरते हैं कि सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, फिर डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, और फिर ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। उसके अंदर ये सेकेंड जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है। जब ओवम रिलीज हो जाता है तो ये रप्चर्ड फॉलिकल जो है ये बनाते हैं कार्पस ल्यूटियम, ठीक। और कार्पस ल्यूटियम जो है फर्दर इनकी डेवलपमेंट होती है तो ये मैच्योर जो कार्पस ल्यूटियम बनता है, और फिर लास्ट में जो है वो कार्पस एल्बिकन्स बन जाते हैं, ठीक है। अभी हम इन्हीं की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस रहते हैं। पहला फॉलिकुलर रिक्रूटमेंट रहता है कि सिलेक्शन होता है कितने प्राइमोडियल फॉलिकल जो है आगे मूव करते हैं, उनकी डेवलपमेंट जो है आगे प्रोसीड होती है। फिर फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है कि वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट होते हैं। फिर जो है उसके बाद ओवुलेशन हो जाती है, ओवा रिलीज हो जाता है, फिर जो है ल्यूटियल फॉर्मेशन होती है, कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। और कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर फिर से दो कंडीशन आ जाती हैं, और अगर नहीं कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो जो ल्यूटियल रिग्रेशन स्टेज जो है वो आ जाती है। तो अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कैसे बनते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये ओवरी के अंदर ही बनते हैं क्योंकि फॉलिकल ओवरी के अंदर है। जो मैच्योर होता है फॉलिकल, उससे ओवा या एग रिलीज हो जाता है ओवुलेशन के दौरान, फिर जो है वो एम्प्टी फॉलिकल जो है वो कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं। कार्पस ल्यूटियम बनने के प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारे अदर स्टेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो स्टेज आती है वो है कॉर्पस हीमोरेजियम की। ये वो स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल जब बनते हैं उनके अंदर किसी तरह का वेस्कुलर सिस्टम जो है वो नहीं होता। वहां पर कोई ब्लड वेसल्स जो है वो देखने को नहीं होती, वो एवेस्कुलर होता है। लेकिन आफ्टर ओवुलेशन उसमें आप देखेंगे यहाँ ये ब्लड वेसल जो है इनसाइड में ग्रो करना शुरू कर देती है, और अब जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल था, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल थी,
अब वो ब्लड के द्वारा फिल्ड हो जाती है, ठीक है। उसको उस स्टेज को हम बोलते हैं कॉर्पस हीमोरेजियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वहां उसके अंदर जो है बहुत सारी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वहां पर एंजियोजेनेसिस देखने को मिलता है, जिसमें कैपिलरी नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा डेंसली जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, जिससे जो नेटवर्क बन जाता है कैपिलरी का, जो कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट है, या हार्मोन प्रिकर्सर जो चाहिए वो सब जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टिरोन जो कि सिक्रीट करते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने और एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो एंजियोजेनेसिस स्टेप 1 होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि डेंस कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, जिसका मेन फंक्शन जो है जो जितने भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, स्टेरॉयड जेनिक सेल होते हैं, उनको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जो है या प्रिकर्सर जो चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने एंड्रोजन जब बायोसिंथेसिस पढ़ी थी तो जो प्रिकर्सर्स थे वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते हैं, फिर वो ओवरी के अंदर जब पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी एंड्रोजन सिंथेसिस हो जाती है वहां से। तो स्टेप जो है वो थोड़ा क्विक हो जाता है। प्लस में प्रोजेस्टिरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, जो कि प्रेगनेंसी को एस्टेब्लिश करने में और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब उसके बाद सेकेंड जो चेंज आता है वो आता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं वो ल्यूटियम ल्यूटिन सेल से मिलकर बने होते हैं। ल्यूटिन वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है येलो, ठीक है। तो ये ल्यूटिन सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि ओवुलेशन के एकदम बाद बनते हैं। और कब बनते हैं, जब येलो पिगमेंट और लिपिड जो है ग्रेनुलोसा सेल के अंदर जो है, जो फॉलिकल की लाइनिंग है उसके जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं उनको उनको जो है वो फिल कर देते हैं, जिसके कारण सेल का कलर जो है वो येलो हो जाता है। अब उसको हम ल्यूटियल ल्यूटिन सेल बोलते हैं। अब ये ल्यूटियल सेल जो है आप देखेंगे ये प्री ओवुलेटरी फॉलिकल है, इसमें चारों तरफ इसके आउटर में थीका सेल होते हैं और इनर साइड के अंदर जो है वो ग्रेनुलोसा सेल है। तो आपको जो डार्क कलर के दिख रहे हैं दैट आर द थीका सेल, और जो लाइट कलर के दिख रहे हैं ग्रेनुलोसा सेल, और ये ऊ साइट है। अब ये देखिए कार्पस ल्यूटियम की स्ट्रक्चर। अब देखिए कार्पस ल्यूटियम जो है उसके जो स्मॉल ल्यूटियल सेल्स हैं जो कि फॉलिकुलर थीका सेल से बनते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल है वो बनाते हैं स्मॉल ल्यूटियल सेल। इनका जो डायमीटर रहता है वो 20 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ये सेल जो है प्रोलिफिकेट करते हैं ड्यूरिंग ल्यूटिनाइजेशन। जब कार्पस ल्यूटियम बनता है उस समय जो ल्यूटिनाइजेशन का प्रोसेस रहता है उस समय जो है इनके नंबर जो है बढ़ते हैं, ठीक है। और स्मॉल ल्यूटियल सेल जो है उनके अंदर बहुत लिपिड्स ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि कोलेस्ट्रॉल सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल रहते हैं और प्रोजेस्टिरोन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो स्मॉल ल्यूटियल सेल जो कि फॉलिकुलर थीका सेल से बने हैं उनमें प्रोलिफिकेशन हो जाती है, और उन सेल के अंदर जो लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रोजेस्टिरोन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लार्ज ल्यूटियल सेल जो है जो जिनका डायमीटर 20 से 40 माइक्रोमीटर तक होता है वो फॉलिकुलर ग्रेनुलोसा सेल से बने थे, जो इंटरनल सेल है उनसे बने होते हैं, और उनके अंदर हेटरोट्रॉफी है, वो प्रोलिफिकेट नहीं करते, उनका साइज जो है वो इंक्रीज करता है, ओनली साइज बढ़ता है, और वो अपना न्यूट्रिशन जो है जो स्मॉल ल्यूटियल सेल्स हैं जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये लार्ज ल्यूटियल सेल जो है ये एंडोक्राइन सेल होते हैं कार्पस ल्यूटियम के, जो कि हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि दो तरह की चीजें हम देखने को मिलती हैं, कि उनके अंदर जो है हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है, दूसरा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्मॉल ल्यूटियल सेल है ये न्यूट्रिटिव है,
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल इनके अंदर लिपिड्स हैं, ये प्रोलिफिकेट कर रहे हैं। दूसरा लार्ज ल्यूटियल सेल जो होते हैं वो ग्रेनुलोसा सेल हैं, और ये एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीसीज के अंदर क्या होता है, जो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल होते हैं उसके अंदर ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन जैसे हार्मोन भी देखने को मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के एकदम पास होते हैं। और ये इसके अलावा एक छोटी सी कैविटी कुछ के अंदर जो है ये देखने को मिलती है, वाइट सा जो आपको दिख रहा है, और ये कैविटी जो है ये वही फॉलिकुलर एट्रियम ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में अंदर, किसी किसी स्पीसीज के अंदर ये देखने को मिलती है। कार्पस ल्यूटियम जो है वेल वेस्कुलराइज्ड होता है, जबकि जो ग्राफियन फॉलिकल था ए वेस्कुलराइज्ड था, ठीक है। और ये सप्लाई करता है, चाहे वो स्टीरियोजेनिक ल्यूटिनल सेल है और जो स्टीरोइड प्रोडक्ट की रिमूवल है। साइज जो है कार्पस ल्यूटियम का वो बहुत ही वेरिएबल होता है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये इतने ही साइज के होंगे, वेरिएबल साइज के जो है वो देखने को मिलते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम आप देख पा रहे हैं। तो इसके जो ग्रेनुलोसा और थीका सेल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन को अगर आप देखेंगे तो फोर टाइप के कार्पस ल्यूटियम जो है, अगर बेस बेस होता है उनकी, या अगर आप लाइफ स्पैन को देखते हैं या उनकी जो स्टीरियोजेनिक कैपेसिटी को देखते हैं, तो फोर टाइप के कार्पस ल्यूटियम जो है वो देखने को मिलते हैं। एक तो द साइकिल, सूडो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। इसमें से जो प्रेगनेंसी, कार्पस ल्यूटियम ऑफ जो प्रेगनेंसी है वो सभी मैमलियन स्पीसीज के अंदर देखने को होता है, जो कि ट्रू कार्पस ल्यूटियम जो है होता है। लेकिन रोडेंट्स के अंदर, रैट के अंदर जो है फोर टाइप ऑफ कार्पस ल्यूटियम देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी तो है ही है, जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो अभी हम बता रहे हैं। इसके अलावा जो कार्पस ल्यूटियम है ऑफ साइकिल जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट इन इंड्यूस, अगर आर्टिफिशियल कोई ओवुलेटरी की जाती है तो उस समय ये नहीं बनता है। कार्पस ल्यूटियम ऑफ सूडो प्रेगनेंसी जो है वो प्राइमेट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। कार्पस ल्यूटियम ऑफ लैक्टेशन ये कुछ स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर जो पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है उसके बाद जो है ओवुलेशन होता है। कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन जो है, ये कार्पस ल्यूटियम जो को हीमोरेजियम है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कार्पस ल्यूटियम, इसमें ब्लड जो है वो फिल हो जाता है। उसके बाद जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है कार्पस ल्यूटियम जो है ये बना देते हैं। उसके बाद ये देखेंगे आप, ये वाला जो है कार्पस ल्यूटियम, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है, प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वो 10 to 14 डेज के अंदर वो रिग्रेस हो जाते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है वही डेवलप हो जाता है, और वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है मेंटेन रहता है जब तक कि कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्पेरियम और वेरियम, दो वेरिएशन है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो स्पेरियम और वेरियम फॉर्म जो है वो देखने को मिलती है। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। फेट अगर आप इनका देखते हैं कि जो कार्पस ल्यूटियम है वो बना, उसकी जो मैच्योरिटी होती है, मैक्सिमम मैच्योरिटी वो 22nd डे ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो अटेन कर लेते हैं, अगर प्रेगनेंसी हो तो, ठीक है। फंक्शनल होते हैं 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक, अगर कंसेप्शन हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम की लाइफ स्पेन जो है वो 12 to 14 डेज होती है। मैं फिर से बता रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की है। अब फेट भी, कार्पस ल्यूटियम का क्या फेट है उसके वो डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी हो रही है या नहीं हो रही। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तब कार्पस ल्यूटियम को हम कार्पस ल्यूटियम स्पूरियम बोलते हैं, जो कि प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस से होकर गुजरता है और वो बना देता है कार्पस एल्बिकंस, ठीक है।
अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अब हम कार्पस ल्यूटियम को बोलते हैं विरो, और वो ग्रो करता है और परसिस्ट करता है अप टू 5th to 6th month ऑफ प्रेगनेंसी। 9th month तक भी कहते हैं प्रेगनेंसी में वो स्टेबल रहते हैं, और उनके अंदर जो है उसके बाद जो है वो रिग्रेशन स्टेज में जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये फॉलिकल से ओव्यूल निकला, ये अर्ली जो कार्पस ल्यूटियम बनता है जिसके अंदर एंजियोजेनेसिस हो जाती है, प्रोलिफिकेशन हो जाता है। वही एंजियोजेनेसिस ब्लड सर्कुल जो है कैपिलरी जो है इसके अंदर नेटवर्क बना लेती हैं, प्रोलिफिकेशन होकर स्मॉल जो ल्यूटियल सेल है लार्ज ल्यूटियल सेल बन जाते हैं। फिर कार्पस ल्यूटियम का, जैसे आप देखिए कार्पस ल्यूटियम मीजल्स मिडल स्टेज के अंदर आ गए, जो कि फंक्शनल कार्पस ल्यूटियम होता है, जो कि स्टीरोइड सिक्रीशन जो प्रोजेस्टिरोन है एस्ट्रोजन है उन हार्मोन को रिलीज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन करते हैं, और लेट जो पीरियड होता है जिसके अंदर वो एपोप्टोसिस हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो है रिग्रेस हो जाता है और कार्पस एल्बिकन्स बना लेते हैं। अगर प्रेगनेंसी रहती है तो ये लेट लेट मीन की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है, जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाता है, प्लेसेंटा जो है अपना वर्क टेक ऑफ कर लेता है, उसके बाद इसकी रिग्रेशन जो है वो होनी शुरू होती है। तो प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो स्टेबल रहता है कार्पस ल्यूटियम अप टू 9 month तक, डिपेंड करता है 6th, 7th, 8th, 9th किसी भी मंथ तक जो है वो स्टेबल रह सकता है, क्योंकि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो कि एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट द्वारा रिलीज किए जाते हैं, उन हार्मोन के कारण ये स्टेबल रहता है, ये अपने हार्मोन सिक्रीशन जो है वो कंटिन्यू रखता है, और ये फंक्शनल रहता है अप टू 14 वीक तक। 14th वीक तक, प्रेगनेंसी के 14th वीक तक ये फंक्शनल मीन कि ये अपना काम जो है वो कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, हार्मोन सिक्रीशन कर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए शुरू में प्लेसेंटा फॉर्मेशन एकदम नहीं हो पाता है, तो डेवलपिंग फीटस को बहुत सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जाती है। तो अब जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो गया, उसने टेकअप ले लिया, अपना वर्क जो है वो टेकअप कर लिया, उस समय जो है अब कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, और इसकी रिग्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो स्टीरिडियोजेनेसिस है, जिसके जो हमें जब हमने एंड्रोजन बायोसिंथेसिस पढ़ा था तो उसमें मल्टीपल स्टेप से होकर जाते हैं, जब जो कोलेस्ट्रोल से जो है स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं उसमें हेल्प करता है कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिरोन एंड्रोजन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। कार्पस ल्यूटियम की रिग्रेशन, अब जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस समय क्या होगा, इसकी जो हमने लाइफ स्पेन देखी थी वो 8 से 10 दिन तक हो सकती है, 10 से 12 दिन भी हो सकती है। तो क्या होता है कि अगर एग्जैक्ट 28 डेज की साइकिल है तो 8th या 9th डे में वो रिग्रेस होना शुरू हो जाता है, उसकी डीजनरेशन होनी शुरू हो जाती है। अब वो कार्पस ल्यूटियम जो है कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कार्पस एट्रिकम भी बोल देते हैं, जो कि व्हाइट बॉडी होती है। देखिए कार्पस ल्यूटियम को हम येलो बॉडी बोलते हैं क्योंकि वहां पर जो है लिपिड्स येलो कलर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है व्हाइट बॉडी है क्योंकि यहाँ पर जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो व्हाइट कलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ये ओवेरियन स्कार जो है ज्यादातर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जैसे जैसे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूटियोलाइसिस। ल्यूटियोलाइसिस जब ल्यूटियल सेल्स होते हैं, चाहे स्मॉल है लार्ज है, उनकी ब्रेकडाउन होनी शुरू हो जाती है। अब वो ब्रेकडाउन हुए तो कलर जो येलोइश कलर जो था वो खत्म हो गया, अब क्या हुआ वो व्हाइट कलर, क्योंकि अब सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दिखाई देते हैं, उसके कारण उनका कलर जो है वो व्हाइट है। अब ये कार्पस एल्बिकन जो है प्राइमरी जो है वो कोलेजन
के बने हुए होते हैं और ये कुछ मंथ तक जो है वो ओवरी के अंदर रहते हैं, उसके बाद ये जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं ये प्राइमोर्डियल थे, फिर ग्रेफियन फोलिकुल मेच्योर बने, इसमें ये अट्रैक्टिक बने और उसमें से सिर्फ कुछ जो है वो राइपन होते हैं, मेच्योर होते हैं, ग्रेफियन फोलिकल में बदलते हैं, जब ओवुलेशन हो जाता है वो कार्पस ल्यूटियम में बदलते हैं और इनका लास्ट जो टारगेट रहता है वो कार्पस एल्बिकंस बनाना है, कार्पस एट्रिकम जो है वो बनता है और ये धीरे धीरे जो है वो डीजनरेट हो जाता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम का आप देख पा रहे हैं प्राइमरी फोलिकल, एग सेल और फोलिकुलर सेल, मेच्योर फोलिकल और ये ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन के बाद एम्प्टी फोलिकल बचे, उन्होंने कार्पस ल्यूटियम बना दिया। कार्पस ल्यूटियम मतलब कि वहाँ पर एंजियोजेनेसिस हुई, प्रोलिफिकेशन हुआ और फिर अगर उसमें प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उस केस में ये फर्दर रीजनरेट होकर कार्पस एल्बिकंस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये था कार्पस ल्यूटियम। थैंक यू।